हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि लेट ही उठा तो जल्दी गया था। अब लेट क्या उठाया, मतलब तैयार यार होने में थोड़ा लेट हो चुका था और थोड़ा फीवर भी है। बड़ी मुश्किल से अभी तक गोदाम तक पहुँचा हूँ। अब पहुँचाऊँ मैं गोदाम तक, बहुत मतलब बहुत वीकनेस आ चुकी है अंदर से, बहुत वीकनेस आ चुकी है। तो चलते हैं अभी, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तबीयत ख़राब बहुत हो रही है तो एक राउंड हॉस्पिटल हो जाए। तो पर्ची तो लगा के आ चुका हूँ, तो अब देखते हैं कि नंबर मेरा कब आता है, कितनी देर में आता है। तो चलते हैं पहले हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जाके पहले दिखा के लाते हैं। अभी टाइम है, अब देखते हैं कितनी देर में कॉल आती है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है। बहुत बिजी है फिर भी। तो अभी हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, अभी इंजेक्शन ले लिया भैया ने, अब इंजेक्शन लगना है। बड़े हालात डाउन है यार, अब इंजेक्शन जहाँ लगना है वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, पता नहीं क्या भर्ती होने को कह रहे हैं। अब भैया दवाई लेके खड़े हैं, भैया पर्चा वर्चा ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, अब हमें इंजेक्शन लगना है सारे सामने वाले वार्ड में। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आएगा। और अभी मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो चुका है, कमर में भी इंजेक्शन लग गया, हाथ में भी इंजेक्शन लग गया, ब्लड भी निकल गया, इतना दर्द है। तो 2-3 इंजेक्शन और लगने में तो नहीं पहुँचा मुझे, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी, तो चला भी नहीं जा रहा है कमर में, इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल नहीं चल रहा है। और डॉक्टर पूर्वा गुप्ता जी को इनको दिखाना है अभी, कहीं से भी एंट्री है, अभी अंदर कोई गए हुए हैं। बहुत ही भीड़ है अभी हॉस्पिटल के अंदर, भैया पता नहीं कहाँ दवाई लेने कहीं आ रहे हैं। अब भैया अभी अभी यहीं लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ मेरे लिए, सभी लोग हॉस्पिटल में लाइन में पर्ची में लगे हैं, मेरा भी अभी नंबर तो आया नहीं है। सारे पर्चे नीने पकड़े हुए, भागना पड़ रहा, मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ ना, चल पा रहा हूँ, देख बैठ गया। अब हम जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये भी है और वहाँ भैया आगे आगे जा रहे हैं। हो चुका है मेरा ऑपरेशन, हो चुका है मेरा ऑपरेशन, बहुत चल रहा है अभी, बड़ी बुरी हालत है यार। हे गाइस, अब इनका ऑपरेशन हो चुका है मेरा, और उसी जगह इंजेक्ट कर दिया है मुझे, देख लो, और ये ग्लूकोज की बोतल ऊपर चढ़ा दिया है, बहुत दर्द जा रही है, और मेरा पूरा शरीर सुन्न है भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब ये रिहान का भी फोन आ गया, उतनी देर से तो नहीं कर रहा, मैं बहुत बुरी हालत हूँ अभी, बस आपसे अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूँ। बहुत ये देखो, ये कितने जगह मुझे छेद कर गई, यहाँ मेरे हाथ में ही सब पानी क्या हो गया है, एक हफ्ते का यहाँ बोला कि बेड रेस्ट पे हॉस्पिटल में भर्ती रहूँगा एक हफ्ते तक, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी जिन कर रहा है अभी जल्दी जल्दी जा नहीं सकता है, फिर बहुत बुरी बहुत बुरा हो गया है एक साथ। तो ओके, मैं बात करूँगा सब थोड़ा सही हो जाए तो। और देवेंद्र ने पहन लिया मास्क और ग्लव्स वगैरह, और दवाई लाया, दवाई कौन सी लाया दिखाना, इंजेक्शन हाँ पूरे 30 लाया हूँ, और एक ड्रिप लाया हूँ। इतनी पूरी थैली उठा रहा है, थैली कितनी, क्या क्या है इनमें, इसमें बहुत है आइटम, पता नहीं इतने आइटम है ये, इतने बाप रे, मैं तो डर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये खतरनाक खतरनाक फ्री है, ये देखो ये क्या है, ये बहुत खतरनाक फ्री है, इतनी भयंकर इंजेक्शन लगेंगे क्या भाई, और ये तो बहुत ही है वाले, अरे बाप रे, इतने सारे थैली उठाना पूरी, और ये पूरी थैली उठाना, पूरी थैली है मेरी तो आदत है नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरा सिर्फ एक ही हाथ जिस हाथ से कैमरा पकड़ रहा है बस, बाकी सारी एक ही हाथ काम कर रहा और कुछ नहीं।
और ठंडा इतना हो रहा है कि मैं कहाँ पी रहा हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत काम ना अभी कहीं पी लिया कि उससे क्या इतना हो जाए यार, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो खाना में क्या बताया डॉक्टर ने? खाने का अभी कुछ नहीं यार, खाने का मन कहाँ है, कुछ मन नहीं है खाने का। अब ये मेरी रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये CBC है और ये दूसरी है चाइल्ड कुछ है और इस साइड हैं दो चार रिपोर्टें, सब नॉर्मल आई हैं, सारी नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं अभी, बस मेरा ब्लड मेरे शरीर में बहुत कम है। हेलो, ब्लड का रिपोर्ट जरा कम, बाकी सब कुछ क्लियर है। और बस एक ही चीज़ की कमी है, बस खून की ब्लड की, वो पेपर वाले का शुक्र है कि वो भी सही हो जाएगा। अभी तक तो फिलहाल सही हूँ, बस थोड़ा कहाँ पर आऊँ कि इंजेक्ट इतने हो चुके हैं यार, क्या बताऊँ। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, राहुल भाई यहाँ पे लेते हैं, अभी हम सब लोग यहाँ आ गए हैं, ऑपरेशन हो चुका है इनका, अभी कुछ दिन तक बेड रेस्ट रहेगा। देखो गाइस आप आए लेकिन सेफ संतरे नहीं लाए, क्या बात, लाएंगे लेके आओगे। तो अभी दवाई लग चुकी है, मैम दवाई निकाल रही है, अभी दवाई लगाएंगी, दवाई लग रही है, पहले बहुत गुस्से हुआ है, अभी फाइनली दवाई लग जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। चाबी ले लड़ो, चाबी दे दो यार, बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल में लड़े। ये देख, ये देख। अभी हमें एक पैकेट दे गई है सिस्टर, तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या निकला? बबूल का पेस्ट, टावल आ गया, एक नया साबुन आ गया, और क्या? ओके, तो बाकी हमें ये चीज़ तो हॉस्पिटल से ही मिल रही है सारी चीज़ें, फ्रेश फ्रेश है, लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है, तकिया भी नहीं लगाने को दिया मैंने, फिर भी अपने लिए लगा लिया है जैकेट का, मैं कल लगा लेता हूँ यार, क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ बहुत, नहीं आती नहीं मुझे, कहाँ चले। अब ये दवाई पूरी ख़त्म हो गई है, दूसरी बॉटल लगा रहे हैं, बीपी मेज़र कर लिया है, अभी बीपी नॉर्मल है। बहुत लोग देखने आ गए मुझे, बताओ ये कुछ माल लाल लेके आए हो या खाली लटकते हुए आए हो? हम तो सोच रहे हैं YouTube बना के खाली ड्रामा कर देगा, ये लोग बैठे हैं वो खाली हाथ आ रहे हैं सब। आपने कुछ खाना नहीं किया, बोला चाय लेके आए हो? चाय लेके आए हो, वो चाहिए भाई, अबे एक ही गिलास पुदीना लेके आओ ना यार, मददगार आदमी मिस्टर पोवा, तुम हमें देखने आए हो या हमें जिंदगी का मजाक उड़ाने आए हो? चाय पीने टाइम हो गया हमारा, मिल मिल के खिला रहे, चल रहा है बिस्कुट खिलाया जा रहा है, एक दुआ के हो गए, बाप जान नहीं खाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं, 10 नहीं 12 बजने वाले हैं, 10 को पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, कितना टाइम हो चुका है, 12 नहीं बजने वाले, किसी कितने 11:12 11:44 12 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, ऑपरेशन भी अच्छा रहा, सब सुख सक्सेसफुल रहा, लेकिन हालत बहुत डाउन है, बहुत पेन हो रहा है अभी भी, खाने आने के लिए कुछ मना करा है अभी डॉक्टर ने, अभी कुछ नहीं चल रहा है, तो जल्दी अपने ब्लॉग को ही एंड करते, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।